अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं आईटी वाले राजा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँगा एंड्रॉयड के हवाले से, फ्री नेट के हवाले से और टिप एंड ट्रिक्स के हवाले से जो भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, आपको बआसानी नोटिफिकेशन के ज़रिए मालूम हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपने अपने मोबाइल को कैसे ठीक करना है, इसकी बैटरी टाइमिंग कैसे ठीक करनी है, मोबाइल अगर आपका गर्म होता हो तो इसे कैसे ठीक करना है। ठीक है दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब हमारा मोबाइल गर्म होता है और ऐसे गर्म हो जाता है जैसे कि हम इसे आग पर रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उसकी वजह से हम बहुत परेशान रहते हैं, हमारी बैटरी टाइमिंग भी 0/0 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और हम समझते हैं कि हमारा मोबाइल ख़राब हो गया है। असल वजह यह है कि हमारा मोबाइल उस वक्त ख़राब नहीं हुआ होता दोस्तों, हमारा मोबाइल इस सूरत में ये गर्म होता है जब हमारी बैकग्राउंड पर जो है एप्लीकेशन हम शॉर्टकट में जो इसे मतलब के मिनिमाइज़ कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ऐसी एप्लीकेशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे मोहब्बत हो जाएगी, बड़ी मस्त एप्लीकेशन है। ठीक है दोस्तों, वो एप्लीकेशन कौन सी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर लिखना है शट ऐप लिखना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये देखें फर्स्ट वाली आ गई है। आप इसके आइकॉन को जो है देख लें अच्छे तरीके से, आपने यही एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। इस हवाले से आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारी एप्लीकेशन मिलेंगी दोस्तों, वो जस्ट एडवर्टाइजमेंट की एप्लीकेशंस हैं, किसी फ़ायदे की नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका डेटा भी वेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आपने इसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करना है। ठीक है दोस्तों, मैं इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल थी, सिर्फ मैं इस वीडियो बनाने के लिए मैंने इसे अनइंस्टॉल किया ताकि मैं आपको सही तरीके से समझा सकूँ कि इसकी किस तरीके से सेटिंग होगी। ठीक है दोस्तों, देखें दोस्तों, ये मैंने एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर ली है। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन इंस्टॉल इसे कर ली है और ये इंस्टॉलिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। हम इसका इस्तेमाल आपको बताता हूँ कैसे है। शट ऐप पे आपने क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से जो है एप्लीकेशन आपके सामने होगी। ठीक है, आपने इसे दरमियान वाले पे गोलदायरे पे से क्लिक करना है। ठीक है, चंद सेकेंड के बाद ये एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, दोस्तों बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है ये, बहुत ही आपको फ़ायदा देगी। देखें दोस्तों, ये ओपन सर्विस पे मैंने क्लिक किया, सर्विसेज आ गया दोस्तों। इस पर सर्विसेज पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखें दोस्तों, लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है शट ऐप का, ये ऑफ है, आपने इसे ऑन करना है। ठीक है दोस्तों, ये ऊपर से मैंने इसे ऑन कर दिया और इसे ओके कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये ऑन हो चुकी है। अब देखते हैं दोस्तों, ये हमें बता रहा है कि आपके बैग पे जो है 4 एप्लीकेशंस रनिंग में है। ठीक है दोस्तों, और ये बैटरी कॉस्ट 3% जो है बैटरी ये यूज़ कर रही है। हमारी रैम भी बिजी है जिसकी वजह से हमारा मोबाइल गर्म होता है और हम परेशान होते हैं और बैटरी टाइमिंग ख़राब हो जाती है और बैटरी भी फूल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखें दोस्तों, अब ये न्यू पे आपने क्लिक करना है, जो सामने फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा है इस पर मैंने क्लिक किया और वाइट लिस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, वाइट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपने इस प्लस वाले पे क्लिक करना है और ये यहाँ पे वो एप्लीकेशंस हैं जो आप बैकग्राउंड पर रखना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एज एड स्क्रीन रिकॉर्डर रखना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे ओके कर दिया है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे ओके कर दिया। ओके करने के बाद दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि ये 3 एप्लीकेशन अब शो करवा रहा है। ठीक है, कि आपके बैकग्राउंड पे चल रही है, इसे आपने क्लियर करना है, इसे ऑफ़ करना है। ठीक है दोस्तों, कैसे ऑफ़ करना है, पहले 4 शो करवा रहा था और मैं एज ए स्क्रीन रिकॉर्डर वाली मैंने चाहा कि मैं बैकग्राउंड पर रखना चाहता हूँ तो इसलिए इसने एक वो निकाल दी। ठीक है, मैं इसे शटर पर क्लिक करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने इसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखें दोस्तों, ये प्रॉपर तरीके से ऑफ़ हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऑफ़ हो गई हैं इस वक्त। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बैट जो है मोबाइल को
बिल्कुल कूल रखेगी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बैकग्राउंड पे जो है एप्लीकेशन कैसे चलती हैं। सिर्फ हमारी खुद की गलतियों की वजह से हम अपने मोबाइल को ख़राब कर बैठते हैं, ख़राब हो जाते हैं हमारी वजह से। ठीक है दोस्तों, अब हमने कोई भी कोताही नहीं करनी जिसकी वजह से हमारा मोबाइल गर्म हो। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे करते हैं कि हमने यूसी ब्राउज़र ओपन किया, आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं आपने इसे ओपन किया और डायरेक्ट मिनिमाइज़ कर दिया। ठीक है, सेंटर वाले बटन से फेसबुक यूज़ की शॉर्टकट में जो आपने जो है ना इसे मतलब इसे मिनिमाइज़ कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने व्हाट्सएप यूज़ किया और इसे मिनिमाइज़ कर दिया। ठीक है दोस्तों, और ये साइड पे आपको ये बटन नज़र आ रहा है गोल सा, इसके अंदर बता रहा है कि आपकी दो ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो अभी हमने मिनिमाइज़ शॉर्टकट में की हैं, ये इस वक्त रनिंग में है, यानी आपकी रैम जो है ये यूज़ हो रही है। जब आपकी रैम यूज़ होगी तो आपका सेल हैवी होगा, गर्म होगा और बैटरी टाइमिंग भी कम होगी। ठीक है दोस्तों, हम इस पर क्लिक करते हैं, शट ऐप पर दोबारा जाते हैं दोस्तों। उसके बाद हम ये कह रहा है कि दो एप्लीकेशन आपकी बैकग्राउंड पर रनिंग में है। ठीक है दोस्तों, हम इस पर क्लिक करते हैं कि ये हम इसे ऑफ़ करना चाहते हैं। इसे ऑफ़ करने के लिए हमने इसे क्लिक किया और ये हमें बता रहा है कि हम आपकी दो एप्लीकेशन जो हैं वो रिमूव हो गई हैं और आपकी बैटरी टाइमिंग भी बचेगी, आपका मोबाइल भी गर्म नहीं होगा। और ये लिखा हुआ है नो ऐप्स रनिंग इन दी बैकग्राउंड कूल। ठीक है, अब आपका मोबाइल कूल है, आपका मोबाइल गर्म नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और तमाम भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल आईटी वाले राजा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी जो भी नई से नई वीडियो मैं बनाऊँगा एंड्रॉयड के हवाले से, टिप एंड ट्रिक्स के हवाले से, दोस्तों वो आसानी तरीके से आप तक पहुंच जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये देखें सब्सक्राइब वाला बटन आपको नज़र आ रहा है, ऐसा ही बटन एक वीडियो के नीचे भी आपको नज़र आएगा, तो प्लीज़ आप क्लिक कर दें सब्सक्राइब वाले बटन पे, देर ना करें दोस्तों। सब्सक्राइब करने के कोई चार्जेज नहीं है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों कि आपने मेरी वीडियो को वॉच किया और मेरी हौसला अफजाई की। ठीक है दोस्तों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।